हेलो एवरीवन, आज हम बाजार में मिलने वाली मावा बर्फी को घर पर बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए ना हम दूध का इस्तेमाल करेंगे, ना मावा का, ना मलाई का। बहुत ही कम खर्चे में, मात्र 20 से 30 रुपए में हम इस बर्फी को बनाकर तैयार करेंगे। अब घर पर आए किसी मेहमान के सामने भी आप इसे इंस्टेंट बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंस्टेंट बर्फी बनाना। इसके लिए हमने एक पैन में 1/4 कटोरी घी डालेंगे और इसके अंदर हम 1 कटोरी मैदा डालेंगे। अब हम इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। ध्यान रहे, गैस की आंच को हमें धीमा ही रखना है और इसे लगातार चलाते हुए हमें पकाना है। अब आप देखेंगे कि हमारा ये बैटर बहुत अच्छे से भुना हुआ है। तकरीबन इसे भूनने में हमें 4 से 5 मिनट का समय लगा है। अब हम इसी पैन को खाली कर लेंगे और इसी में हम अपनी चाशनी बनाएंगे। इसके लिए हमने 1 कटोरी चीनी ली है। जी हाँ दोस्तों, जितनी हमने यहाँ पर मैदा ली थी उतनी हमने चीनी ली है और 1/2 कटोरी हमने इसमें पानी डाला है। हमें मेज़रमेंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। लगातार चलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पर हम चाशनी बनाएंगे। चीनी हमारी घुल चुकी है। अब हम इसके अंदर 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो 2 से 3 इलायची को क्रश कर भी इसमें डाल सकते हैं। हमें इसकी 1 तार की चाशनी लेनी है। चाशनी लेने में अगर आपको कोई परेशानी आती है दोस्तों, तो आप एक बार चीनी घुलने के बाद इसको 4 से 5 मिनट के लिए पका सकते हैं। बस हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। हम इसके अंदर मैदा का बैटर डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए लम्स फ्री कर लेंगे और इसे चाशनी के साथ अच्छे से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी जो बैटर है वो कितने अच्छे से घुलकर तैयार हो गया है। अब इसके अंदर आज मैंने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। ये हमने सिर्फ टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए करा है। इसे डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो ना भी करें। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो छोटी पाउचों में भी मात्र 10-20 रुपए में मिल्क पाउडर आता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें इसे लगातार चलाते हुए भूनकर पकाना है। ध्यान रहे दोस्तों, गैस की आंच को हमने धीमा ही रखा है और शुरू से ही हमारी गैस की आंच लो मीडियम पर ही रहेगी। हमने इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लिया है। बैटर ने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। फिर भी हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। हम इसकी छोटी सी गोली निकाल करके और इसे एक बार बनाकर देखेंगे। ये हाथ में चिपकनी नहीं चाहिए। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हम इसे एक ट्रे में फैला लेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, ये काम हमें बहुत जल्दी करना है क्योंकि ये बैटर हमारा बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। अब हमने इसे अच्छे से फैला लिया है। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट करने के लिए रखेंगे। अब हम इसे पलट करके अपनी पसंद के अनुसार इसे गार्निश करेंगे। आप इसे जैसे चाहें वैसे इसे गार्निश कर सकते हैं। आज मैंने इसके लिए यहाँ पर सिल्वर वर्क का इस्तेमाल किया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। अपनी पसंद के अनुसार आप इसे गार्निश करें और इस मज़ेदार मिठाई का आनंद लें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी जितनी भी वीडियोस आएंगी उसकी पहली नोटिफिकेशन आपके पास ही आएगी।